स्वागत है पीटीसी न्यूज में सार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह, तुम देख रहे हो गिलको प्रेजेंट्स विचार तकरार। एक अहम मुद्दे पर विचार चर्चा लैके तो सामने एक बार फिर तो हाजिर हाँ। किसी भी सूबे की रीढ़ की हड्डी होंगी है पावर। पावर तो बिना ना तो थोड़ी स्टेट चल सकती है, ना इंडस्ट्री चल सकती है, ना खेतीबाड़ी सैक्टर चल सकता। सो पंजाब की रीढ़ की हड्डी है पावर सैक्टर। जेकर रीढ़ की हड्डी इफेक्टेड हो जाए, जे रीढ़ की हड्डी को कोई नुकसान पहुँचे तो यकीनन तौर पर तुहाडा सारा शरीर यानी कि तुहाडा सारा सूबा तराशाई होकर रह जाएगा। कुछ अजिहे ही हालात पंजाब दे विच बनते जा रहे हैं। ये असी नहीं कह रहे, वो लोग कह रहे जिहड़े पावर नू संभालते हैं, वो लोग कह रहे जिहड़े ये यकीनी बनाते हैं कि घर घर रोशनी पहुँचे, जिहड़े यकीनी बनाते हैं कि हर यूनिट नू बिजली मिलनी चाहिए, ये यकीनी बनाते हैं कि हर ट्यूबवैल से बिजली पहुँचे। जी हाँ, गल कर रहे हैं पावर की, गल कर रहे हैं PSPCL की। PSPCL कि डुबण जा रहा, ये शंके प्रगट किए जा रहे हैं, ये शंके प्रगट कर रहे हैं उत्थों के मुलाजम। दरअसल अज पटियाला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। हालांकि तक खदशे तो बड़े दिन के ही चल रहे थे कि PSPCL लगातार कर्जदार हो रही है, लगातार कर्जे की पंड उसते वड्डी होंदी जा रही है। जेकर समा रहिंदा ना संभालिया गया तो मुश्किल हो सकती है। और उन्हां ही मुश्किलों का अज खुलासा PSEB इंजीनियरस एसोसीएशन वालों किया गया। अज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने वड्डे खुलासे किए और ये हलूणा दिता पंजाब सरकार नूं कि जल्द ही इसते सख्त एक्शन लिया जाए, तुरंत प्रभाव के नाल कार्रवाई की जाए। नहीं तो वह दिन दूर नहीं है जदों PSPCL पूरी तरह डुब जाएगा, वो दिन दूर नहीं है जदों पंजाब हनेरे च डुब जाएगा, वो दिन दूर नहीं है जदों पंजाब दे विच ब्लैकआउट हो जाएगा, झोना देने नूं भी पानी नहीं बचेगा। ये कुछ संकेत ने जिहड़े अज इंजीनियर ने इंजीनियरस ने जिहड़े उन्होंने दिते। एक एक करके तुहाडे सामने सारे पॉइंट रखांगे, उस तो बाद विचार चर्चा दे विच ये समझण की कोशिश करांगे कि PSPCL क्यों अजिहे हालातों के आ गई। जल्द ही हो सकती है पंजाब की बत्ती गुल, क्यों हो सकती है एक एक करके तुहानूं सारे पॉइंट दसदे आं। दरअसल पावरकॉम की वित्तीय हालत विगड़ चुकी है, झोने के सीजन के पूरी बिजली नहीं मिल पाएगी, एक खदशा प्रगटाया गया। पावरकॉम महकमे के इंजीनियर संस्था ने बिजली मंत्री ते उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा है। जथेबंदी के जनरल सकत्तर इंजीनियर अजय पाल अटवाल ने उक्त पत्र दे विच आप सरकार नूं इस लई जिम्मेवार ठहराया। बिजली की मांग 15,000 मैगावाट तो टप्पण की संभावना बनी हुई है। उन्हां दा दावा है कि आप सरकार दी गलत नीतियां ने पावरकॉम का लक तोड़ दिता। मुफ्त बिजली स्कीम पावरकॉम के कर्जे ही होने का एक वड्डा कारण है। ये इंजीनियरस ने जिहड़े ये दावा करते हैं कि जिहड़ी मुफ्त बिजली दित्ती जा रही है वह पहला एग्रीकल्चर नूं दित्ती जा रही सी, हुण डोमैसटिक नूं जिहड़ी दित्ती जा रही है उस करके जिहड़ा वह लक टुट गया। लत किवें टुटिया ये भी तुहानूं दस्सदे आं। बिजली महकमे का सरकार वल करोड़ों रुपये का बकाया खड़ा है, सरकार वल करोड़ों की सबसिडी की अदायगी बकाया खड़ी है। वख-वख सरकारी अदारियां वालों भी करोड़ों रुपए के बिजली के बिल बकाया खड़े ने। सरकार वल बिजली सबसिडी की इस समय तकरीबन 9,000 करोड़ रुपए की राशि बकाया खड़ी है। सरकारी विभागों वल 2650 करोड़ रुपए की राशि बकाया खड़ी है। साल 2022-23 मुफ्त बिजली देने नाल सबसिडी की राशि 19,000 करोड़ तो भी पार हो जाने की संभावना है। पहला ही 11,650 करोड़ रुपए की राशि सरकार वल बकाया खड़ी है। ਕਰਮ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲ ਪੈਸੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਵੱਲ ਖੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਾਰਚ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ ਖੜਾ ਸੀ 2245 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਰਚ ਦਾ ਡੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 21 ਦਾ। ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਇਹ ਰਕਮ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋ ਗਈ 2650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। 2650 ਕਰੋੜ ਲੈਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ। ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 41 ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ 2605 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਲੈਣੇ ਸੀਗੇ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੈ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਨੇ। 1124 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਡੇਟਾ ਹਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ PSPCL ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ PSPCL ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
कर्जा लैके तनखाह देनिया पै रही अज इंजीनियर एसोसीएशन ने हलूणा दिता क्योंकि देखो पोलीटिकल लोग कहण तो लोग कहते हैं कि देखो ये तो विरोधी धिर ने बोलना ही बोलना है। सरकार एक बहुत वधिया स्कीम लैके आई है लोगों को मुफ्त बिजली दे रही है। जेकर साडा घर रज्या पुज्या होवे जेकर थोड़े पल्ले होण तां तुसीं जिन्नी मर्जी मुफ्त दिओ कोई दिक्कत नहीं है, पर यह कित्थों दी सियाणप है कि कर्जे लै लैके लोगों को मुफ्त बिजली दिती जाए। ये इंजीनियर एसोसीएशन ने हलूणा दिता क्योंकि वो इंजीनियर्स जिन्होंने सारी देखरेख करनी है आने वाले समय के जेकर उन्होंने कोई भविख अनेरे च नज़र आ रहा जे पावरकॉम PSPCL डुबदी है तो नाल ही नाल पंजाब का मालिया भी पूरी तरह डुब जाएगा। इंजीनियर्स का खदशा की है ये सुन लो अज प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या उन्होंने। देखो ये जिहड़ा मेन मुद्दा हैगा वो हैगा भी जिहड़ी साडी वित्तीय हालत आ PSPCL दी बहुत खराब हो रही है क्योंकि जिहड़ी सबसिडी का बकाया एक तो वधी जा रहा 9000 के करोड़ करीब वो बकाया है। वो तो अलावा जोड़े असी डिफाल्टिंग डिफाल्टर के बिल माफ़ किए 1300 करोड़ के करीब वो हैगा तो तकरीबन 2600 करोड़ रुपया जो है वो हैगा जोड़ा असी सरकारी दफ्तर का लेना जानी जी एड्डी वीड्डी अमाउंट जी है रुकी जाती है तो वह PSPCL तो रोजाना जोड़े है फंड चाहिए आ बिजली खरीदनी है क्योंकि ज़्यादातर बिजली हूँ पर जोड़े आपके प्लांट बंद कर दते बठिंडा असी बंद कर दिता रोपड़ के दो यूनिट बंद कर दते गए जबकि असी उदों बहुत कहा भी ना बंद करो इन्हों की लड़ पवेगी हुण बिजली खरीद रहे हैं रोजाना फंड की लोड़ है वो ना होने कारण जिहड़ा गैप है वो बढ़ रहा तो वित्तीय हालत माड़ी हो रही है। पिछले महीने 20 पिया दिसंबर से कणकां अपने झोने कणकां नूं लगना सी पानी बिजली की खरीद वध हुई है तो जिहड़ी साडी कंजम्पशन है जो साडा एनालिसिस है जिहड़ा डोमैसटिक कंज्यूमरां दी खपत दिसंबर महीने की पिछले साल नालों 11% वधी है तो पेंडू खपतकार हैं जिहड़े उन्हां दी लगभग 50% वध गई खपत तो ये आही है भी जोड़ा एक इनसेंटिव क्रिएट करता फ्री यूनिटा नाल 600 यूनिट 2 महीने के 300 यूनिट 1 महीने का हो गया तो लोग दूजा जो साढ़े को फील्ड तो साढ़े ऑफिसर ने इंजीनियर ने रिपोर्ट कर रहे हैं वो भी सानू ये रिपोर्ट दे रहे हैं कि उत्थे लोगों वास्ते इनसेंटिव सैट हो गया चोरी करने भी जी असं 300 यूनिट तो घट रखनी है हम 300 यूनिट पूरे होने वाले महीने के 600 ला दो जी फिर जो साढ़े इंपलाई ने इंजीनियर ने चोरी फड़न जाते हैं उन्होंने प्रैशर पाया जाता नहीं चोरी नहीं फड़नी जी हमने कौन ने जोड़े पहला पुराने पुराने समय भी होंगे रहा हूँ भी हो रहे क्यों हो रहा जी अभी इस गल इस क्वेश्चन कर रहे हैं। सो इस इंजीनियर एसोसीएशन जिन्ह वालों अज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया कि पावरकॉम या PSPCL डुब जाएगी जेकर तुरंत प्रभाव के नाल कोई एक्शन ना लिया गया। तुसीं ने गल्लां दे विच एक गल नोट की होनी है जी इंजीनियर साहब कह रहे थे कि कंजम्पशन है जी वध गई है खपत है जी वध गई है अमूमन तौर पर सर्दियों के इन्नी कंजम्पशन नहीं होंगी खपत नहीं होंगी पर इस साल वध गई तो सोच रहे होवोगे ये किवें होया इवें लोगों को यह पता लग गया कि 600 यूनिट साढ़े माफ ही ने 2 महीने के 300 यूनिट साढ़े को है ही है ने वो 300 यूनिट के लोग जोड़े पहला गुरेज करते हीटर बालन तो जोड़े गुरेज करते गीजर बालन तो जोड़े गुरेज करते इलैक्ट्रॉनिक चुल्हे बालन तो हूँ उन्होंने पता लग गया कि 300 यूनिट तक साडा बिल आना नहीं। मार्केट के सर्वे कराया तो मार्केट के गीजर की डिमांड हीटर की डिमांड और इलैक्ट्रॉनिक चुल्हों की डिमांड है जी वध गई क्योंकि लोगों को यह पता लग गया कि 300 यूनिट बालने ही बालने वो बालो 600 यूनिट 2 महीने के बालने वो बालो क्योंकि सर्दियों के थोड़े कूलर नहीं चलना थोड़ा AC कोई नहीं चलना पखे नहीं चलने वो कंजम्पशन है जी घट जाती है इधर वालू है जोड़े कसर पूरी कर ली जाए। सो इन हालातों के दो चार PSPCL हो रही है चारों पासों मार पै रही है बकाया पैसे खड़े ने वो नहीं मिल रहे। थोनू याद होएगा कि पिछली सरकार ने जो लोग डिफाल्टर से डिफाल्टर के भी पूरे के पूरे बिल माफ़ करते तो बिल भरन की लड़ नहीं भी करोड़ों रुपया हाले तक बकाया खड़ा है डोमैसटिक जी हूँ दिती जा रही है छोट वह पैसा खड़ा है जोड़ा एग्रीकल्चर दिती जाती है राहत वह पैसा खड़ा है। सो चारों पासों PSPCL हूँ घिरी हुई है इस करके हूँ इंजीनियर एसोसीएशन में बाहर आना पाया और उन्होंने ये सारिया गल् जड़िया ने एक बकायदा चिट्ठी लिखी है तुहानू विंडो दे विच अगे जाके चिट्ठी भी दिखावांगे वो चिट्ठी है जिहड़ी वो दित्ती गई है मंत्री साहब नू भेजी गई है बिजली मंत्री साहब नू भेजी गई है कि हालात बहुत माड़े होने वाले ने आने वाले समय दे विच ब्लैकआउट वर्गी संभावना भी बन सकती है जेकर समा रहिंदा इस पूरे मुद्दे ते गलबात नहीं की गई। इस मुद्दे ते गलबात करन दे लई गुरसेवक सिंह संधू साहब प्रेजिडेंट ने गुरु नानक देव थर्मल प्लांट इंपलॉय फैडरेशन बठिंडा तो साडे नाल जुड़े हुए ने। संधू साहब बहुत बहुत स्वागत है।
संधु साहब जिहड़ा भी मुलाजम किसी भी संस्था नाल जुड़िया हुंदा है जेकर वह संस्था किसी भी दिक्कत दे विच आउंदी है या आने वाले समय दे विच उन्हूं लगता है कि किसी मुसीबत दे विच आ सकती है तो आवाज़ उठाते हैं। अज तुहाडे इंजीनियर एसोसीएशन ने आवाज़ उठाई है, थोनू लगता है कि जो खदशा PSEB इंजीनियर एसोसीएशन ने चुकया वह खदशा ठीक है कि जेकर समा रहिंदा हाले भी कोई कदम ना चुकया गया तो वह दिन दूर नहीं है जदों हालात जिहड़े ने हथों बाहर हो जाणगे? वेखो जी, मतलब जिहड़ा खालसा साडे इंजीनियर ने अज जाहर कीता है जी, ये कोई पहली बारी नहीं जाहर कीता। असी अंदर खाते मतलब अपने चेयरमैन साहब दे राही जी ते होर सोर्सां दे राही असी मतलब पहला भी सरकार तक ये गल पहुँचाउंदे रहे हैं और मीडिया दे राही भी असी ये गल पहुँचाउण की कोशिश की है कि बिजली अदारा एक इहो जिहा अदारा है कि जिहड़ा एक मतलब सूई तो लैके एक मधानी तो लैके तो एक बड़ी बड़ी इंडस्ट्री तक जो लोग निर्भर हो चुके हैं जी, और बिजली जिहड़ी हैगी है वो पैसे खर्च के फिर पैदा की जाती है, ना कि बिजली कोई इदां दी चीज़ है जिवें कोई रेता बजरी होवे कि हुण आपां कढ लिया तो अगले साल नूं बरसातां होणगियां तो फिर जिहड़ियां उह खड्डां उहदियां रेते नाल भर जाणगियां जी। बिजली पैदा करने वास्ते बहुत वड्डा खर्च हुंदा है, सो इस करके जिहड़ा भी इंजीनियर एसोसीएशन ने हुण मतलब बाहर आ के सड़कां दे उत्ते आ के गल कही है, सरकार नूं चिट्ठी लिखी है, बिल्कुल वो गल दुरुस्त है और असी ये गल्लां पहलां भी कहिंदे रहे हां ते अगे भी कहांगे कि भावें कि सरकार जिहड़ी है आम लोग जिहड़े आ गल कह दिंदे आ कि मतलब सरकार जिहड़ी, असी भी ये गल कहिंदे सी पहलां कि सरकार सानू जिहड़ी सबसिडी दे पैसे टाइम दे उत्ते देई जावे ते सानू कोई इतराज़ नहीं है, पर पैसा कित्थों आउणा है? पैसा ना तां वेखो जी मान साहब ने अपनी जेब दे विचों देणा है, ना ही जिहड़े पहले मुख्यमंत्री सी जिन्हां ने ये पिरत पाई है लोकां नू ये आदत पाई है, ना ही उन्होंने अपनी जेब दे विच दित्ता है जी। ये पैसा तां लोकां दे सिरां दे उत्ते ही है, लोकां दे उत्ते ही भार पैणा, आम लोकां दे उत्ते भार जिहड़ा पैणा हैगा, सो इस करके सरकार नू पहलां वी जिहड़े जिहड़े इंजीनियर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कीती है उन्हां ने ये खदशा जाहर कीता है कि इन्हां दिनां दे विच इन्नी कंजम्पशन है जिन्नी इन्नी खपत नहीं हुंदी बिजली दी जिहड़ी इस बार हुई है, उहदे विचों इक वड्डा कारण मंनदे ने कि जिहड़ी मुफ्त बिजली 600 यूनिट दिती जा रही है आम लोगों उदे कारण खपत है जिहड़ी वध गई और खपत पूरी नहीं हुई, बिजली महंगी खरीद के मुफ्त देनी पै रही है, तुसीं भी यही मंनदे हो? 15-20 दिन पहला उही गल मैं कहन लग्या सी जी, असी उदो भी थोड़े चैनल दे राही ये गल कही सीगी जी कि जिहड़े लोग अगे धूनी बाल के जिहड़ा पाला दूर कर लैंदे सी उह भी अगले गीजर लै आए, जिहड़े लोग अगे पानी पतीलियां दे विच गर्म करके नहा लैंदे सी इशनान करदे सी उह भी अगले औखे सौखे हो के जिहड़े आ उह गीजर लै आए, और जिहड़े लोग अगे चुल्हे दे उत्ते लकड़ां बाल के रोटी पका लैंदे सी उह लोग भी हुण इलैक्ट्रॉनिक चुल्हे लै आए, उह भी सब्जी उत्ते बनाउंदे आ, रोटी उहदे उत्ते बनाउंदे आ, कंजप्शन तां फिर वधनी है जदों असीं लोकां नूं 300 यूनिट बिजली फ्री देती ते उह तां फिर लोकां ने मतलब मैं सरकार नूं इह गल कहिणी चाहुणा है कि साडे लोकां दा बहुत वड्डा वर्ग आ जिहड़ा उह हजे इन्ना एजुकेटड नहीं होयागा कि उह इस गल नूं समझ सकण कि ये जिहड़ी बिजली है पैसे दे के खर्च के पैदा हुंदी है ते इहदा बोझ आ जिहड़ा साडे आम लोकां दे उत्ते ही पैंदा है, सो इस करके असी सरकार नूं पहलां भी बेनती कीती सी ते मैं हुण भी बेनती करदा भगवंत मान सरकार नूं कि उह सर्वे करवा लैण कि लोक जिहड़े आ सस्ती बिजली चाहुंदे आ कि लोक फ्री दी बिजली चाहुंदे आ, सो इस करके बिजली जिहड़ी आ सस्ती कर दित्ती जावे, होर जे हुण 5 रुपये यूनिट मिलदी आ ते इहनूं 4 रुपये कर दिओ, 3 रुपये कर दिओ, सो इस करके भी जिन्नी कोई बिजली बालदा उंडे ओह पैसे देवे, इस करके जिहड़ा फ्री लगा सवाल ते भी खड़ा हुंदा ना, सरकार दी गल वी तां टेक ते लगी होई है ना, सरकार जिहड़ी पार्टी है सत्ता दे विच तां ही आई सी जदों दावा कीता इन्हां ने कि 600 यूनिट असीं मुफ्त देंगे, हुण उस गल तों किवें वापस मुड़न, या तुहानूं लगदा कि ओह हालात बणनगे कि वापस मुड़ना पवेगा? मैं जी मैं वो गल कह रहा असी कोई पोलीटिकल बंदे थोड़ा जां पोलीटिकल पार्टियां दे नाल असी कोई बजे हुए थोड़ा कि असी सरकार नूं कोई गलत राय दे रहे हैं जां सारी इंजीनियर एसोसीएशन आ कोई गलत राय दे रही हैगी है, वह इस गल का सर्वे करवा लैण कि जिहड़े भाई इंजीनियर एसोसीएशन ने आह लैटर लिखा है होर जथेबंदियां जिहड़ियां हैगियां
ਆ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਜੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਉਹ ਅਡਾਡੀਆਂ ਮਾਡੀਆਂ ਕੋਲੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਰਾਇ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰਿਆ ਤੇ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਕੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਬਕਾਇਆ ਖੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਖੁਦ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਭਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰੇ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਬਿੱਲ ਭਰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟ ਰਹਿ ਗਏ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਭਰਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਇ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਧਨ ਜਟਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸੂਟ ਸਿਉਣਾ ਹੈ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਸਿਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧੋਬੀ ਦੀ ਰਾਏ ਲਓਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਧੋਬੀ ਉਹਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਧੋਬੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਸਿਉਂਦੂਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਹਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਈਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹੀ ਰਾਏ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਬਾਡੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਆ ਫੁੱਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਹੈਗਾ, 2600 ਕਰੋੜ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵੱਲ ਖੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕੰਜਾ ਕਸੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉਹ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ BNR ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਖੀ ਪੱਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ 100-150 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰੇ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਸਾ ਪੱਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬਿਜਲੀ ਫਿਰ ਬਲਣੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100-200 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹ 0 ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ, 0 ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ 2.5-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈਣ ਨੂੰ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਐਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ 5-4,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ ਵੀ 0 ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦਿਓ, 4 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਓ, 3 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਬਿਜਲੀ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਟੋਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਖਰਚਾ ਜਿਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਲੱਗਣਗੇ, ਇਹ ਖਰਚਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ 1000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਠਿੰਡਾ 460 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ 2 ਯੂਨਿਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਲਾਇਆ ਨੀਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਕੱਢੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਲੀ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਡੀ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ
कि जिहड़ा पीएसपीसीएल दा चेयरमैन आ सरदार इंजीनियर बलदेव सिंह सराह ये बड़े टैक्नोक्रेट बंदे आ ते इहनां दा करके इहनां दा टाइम जिहड़ा टप्पी जांदा मैनूं तां इह लगदा कि किते इह ना होवे वी सवेर नूं उहनां दा अस्तीफा जिहड़ा भगवंत मान दी टेबल ते पिया होवे शायद मैनूं तां इह वी पता कि अस्तीफा उहनां ने दे रख्या है इह जिहड़ा मंजूर नहीं कर रहे हैगे सो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी गल ठीक है बिल्कुल सोर्सेस तों इह गल पता लगी है कि उह रिजाइन दे चुके ने या देण वाले ने क्योंकि हालात जिहड़े ने उह दिन ब दिन बदतर होंदे जा रहे ने। एक छोटी जी गल होर संधू साहब मैं थोड़े तो जानना चाहना कि तुहानू लगता है कि तुसीं कह रहे हो कि फैसला रिव्यू होना चाहिए रिव्यू किया जाना चाहिए तो तुहानू लगता है कि पंजाब दे विच बहुती जनसंख्या इस गल दे लई हामी भरेगी कि ठीक है जी तुसीं बिजली सस्ती कर दो जिहड़ा मुफ्त बिजली का कंसैप्ट है उसनू बंद कर दो। मैं कहना जी सरकार साड़ी राय मन के वेखे ये सर्वे करवा तो लवे इन्हों हर्ज की है इन्होंने ये इस इन्हों हर्ज की है जे लोग कहे कि भाई सानू बिजली ठीक है सानू फ्री चाहिए है तो फिर आपे लोग भुगतणगे घट्टो घट सरकार तो इस गल चो बरी होगी ना तो जे कल साडे बिजली बोर्ड का निजीकरण होंगे ये डांडिया बांडिया को जे सानू फिर ये 20 रुपये यूनिट मिलनी है तो फिर लोगों को हमने समझ लेना चाहिए बिल्कुल लोग नहीं कहेंगे मैं दावे ना गल कहना कि असं जिन्ना ग्राउंड के उत्ते असं फिरते हैं लोगों के असं फिरते हैं जिन्ना हर वर्ग के लोगों को असं मिलते हैं ना तो सरकार को इन्ना टाइम होंगे ना मंत्रियों को इन्ना टाइम होंगे ना जी आई एस लॉबी है इन्हों को इन्ना टाइम होंगे ठीक है लोग बिल्कुल नहीं चाहते लोग सियाने हैं लोग वेखो जी आ किसान अंदोलन चलिया तो लोगों ने किन्ना किसान ने सारे मजदूर ने होर जत्थेबंदियों किन्ना खालसा जाहिर किया कि अडानी बानी देश में लैके बह जाएंगे अज वो गल सामने आ गई ना दो साल पहला गल कही और अज अडानी बानी जिहड़े आ किवें देश में लुटिया इन्होंने तो किवें जिहड़े अज शेयर बाजार मूँह ते मूँह डिगे है तो किवें अज नौ दिन हो गए केंद्र सरकार नूं इहदा जवाब नहीं आ रहा सो इस करके इह गल्लां देणियां पै जांदियां सवाल मेरा संधू साहब इक आखरी सवाल है आम लोगों नूं तुसीं जिहड़े लोग ये फ्री कंजम्पशन लै रहे ने फ्री बिजली लै रहे ने और जिहड़े कहिंदे ने कि 300 यूनिट तां असीं बालने ही बालने ने भावें जरूरत है कि नहीं है 300 यूनिट असीं खपत करनी ही करनी है ये तुसीं जरा अपनी सरल भाषा च समझा दिओ कि सरकार ने या किसी मंत्री ने अपने जेब दे विच्चों पैसे कढ के नहीं देने तुहानूं जेब दे विच्चों पैसे कढ के 300 यूनिट मुफ्त नहीं देने ये तुहाडे सिर ते ही भार पेगा थोड़ा सरल भाषा समझा दो फिर आपां वाइंड अप कर मैं जी हाँ जी मैं लोगों को यही बेनती करता है कि आप सारे लोग सियाने बनीए सब तो पहला तो वो लोग जिहड़े बिजली चोरी करते हैं बिजली चोरी तो हजे भी नहीं रुकी और मैं कहना भगवंत मान सरकार को मैं एक बेनती करता है कि जिहड़ा भी बिजली चोरी के बारे आम आदमी पार्टी का आगू ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ MLA ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚੋਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਿੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕੱਛਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਡਬਲ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਰ ਹੈ ਉਹ ਲਵਾਏ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੀਟਰ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ ਉੱਥੇ 2 ਰਸੋਈਆਂ ਹੋਣ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਰਕਚਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਗਾ ਜੀ 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 ਸੋ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ 19,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਹ 19,000 ਕਰੋੜ ਨਾ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਦੇਣਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਬੋਝ ਭਰਾਵੋ ਇਹ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ GST ਆ ਜੇ ਕੋਈ TST ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜੇ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਅਡਾਨੀ ਬਾਨੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਕਢਵਾ ਰਹੇ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲਿਸੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ LIC ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੀਮੇ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਉਹ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁੜ ਕੇ 20 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵੇ ਬੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਭਾਈ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦਿਓ 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਦਿਓ 2.5 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਕੋਈ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਾ ਉਹ ਦੇਵੇ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ
गुरसेवक सिंह संधु साहब साडे नाल तमाम गलबात करन दे लई। सो इसन गुरसेवक सिंह संधु प्रेजिडेंट ने गुरु नानक देव थर्मल प्लांट इंपलॉय फैडरेशन दे, और वड्डी गल इह है क्योंकि इहदे विच लोक मत होना बड़ा जरूरी है, लोक राय होनी बड़ी जरूरी है। इस प्रोग्राम दे विच तुसीं थल्ले फेसबुक ते जे देख रहे हो तां थल्ले कमेंट जरूर दिओ कि तुहानूं वी लगदा है कि मुफ्त बिजली है जिहड़ी ओह बंद करके सस्ती बिजली होनी चाहीदी है, क्योंकि जो हालात ने PSPCL दे तुहाडे सामने रख दित्ते ने। असीं नहीं कह रहे, विरोधी धिरां नहीं कह रही, पोलीटल पार्टियां नहीं कह रही, इस एसोसीएशन दे नाल जुड़े हुए लोग PSPCL दे नाल जुड़े हुए लोग ने जिहड़े वो खदशे जाहर कर रहे हैं। वो चिट्ठियां ये वो चिट्ठी हैगी है जिहड़ी भगवंत मान साहब नूं उन्हां वल्लों लिखी गई है, और इस चिट्ठी दे विच एक एक अंकड़ा उन्हां वल्लों दर्शाया गया कि कित्थे कित्थे रुपये पेंडिंग पे ने, कर्जा लै लै के तनखाह देनिया पै रही ने। अजिहे दे विच उह दिन दूर नहीं है जो पंजाब दे विच ब्लैकआउट वर्गी स्थिति भी बन सकती है। सो समा रहिंदिया इस गंभीरता नूं देखना पेगा और इस मसले नूं हल करना पेगा। देश तों इह बाकी खबरों लई बने रहो PTC News नाल। धन्यवाद।